नहीं एक्चुअली ये हुआ भी वही वाला मैं गया ना, इसमें हुआ ये एक बार ये फोटो लेने पे बता रहे हैं। इसमें हाँ प्रेस नोट दे दो, ये देखिए इसमें कि ये जो आप कह रहे थे कि पीली घाटी है वो, तो ये समस्या इनको ये आ गई कि उस दिन चूंकि हार्ट चेंज में पकड़ गया था, तो इसके बाद सुनार जो अपने दुकान से घर वापस आ रहा था उसको अतरसिया थाना क्षेत्र में मारपीट करके उसकी ज्वेलरी और कैश छीन लिया गया था। इस मामले में कुल 5 अभियुक्त जिसमें एक लेडी भी शामिल है ये प्रकाश में आए थे, जिसमें से 4 को जेल भेजा जा चुका है। उससे कैश की बरामदगी हुई थी, लेकिन जो ज्वेलरी है वो पूरी ज्वेलरी एक जो 5वां अभियुक्त है उसके पास थी और वो लगातार फरार चल रहा था। हमारे थाने की और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसको फॉलो कर रही थी और इसी क्रम में आज 5वें अभियुक्त को आशीष भारतीय को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से पूरी ज्वेलरी जितनी भी लूट में गई थी 100% बरामदगी की गई है। लगभग 3.5-4 लाख रुपए मूल्य की सोने चांदी की ज्वेलरी है ये, और अब इसमें फिलहाल कोई अभियुक्त शेष नहीं है और इसमें कुछ की प्रूफ की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, उसी आधार पर नाबालिग नहीं है पकड़े गए। जो इसमें कुछ मंदिर की भी वस्तुएं हैं, किसी जो ये पकड़े गए हैं इसमें कुछ मंदिर में भी चोरियां हुई थी। मंदिर की चोरी से नहीं, ये सुनार के से लूट की गई थी, इससे संबंधित नहीं। एक्चुअली ये हुआ भी वही वाला मैं गया ना, इसमें हुआ ये एक बार फोटो लेने पे बता रहे हैं। Thank you.